रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी मैक्स पेबर फिलोसॉफिकल अप्रोच नोन एज आइडियलिज्म विच एम्फोसाइज्ड अपॉन हाउ ह्यूमन आइडियाज़ स्पेसिफिकली देर बिलीव्स एंड वैल्यूज़ शेप द सोसाइटी मैक्स पेबर की जो फिलोसफी है बेसिकली वो क्या है वो इंसानी जिंदगी और फिर उसके साथ साथ इंसानी ज़िंदगी का क्या रोल है एक माशरे के बनने में और मुशरे के स्टैंडर्ड्स को डिटरमिन करने में वो कैसे क्योंकि मिक्स वेबर की जो फ़िलासफ़ी की बुनियाद है वो ये है कि जो इंसान के बुनियादी बिलीव्स हैं जो उसकी बेसिक वैल्यूज़ होती हैं वही माशरे को डिटरमिन करते हैं कि वो मुशरा कैसा है अगर किसी मुआरे के अंदर वैल्यूज़ पर बिलीफ है अगर उस माशरे के अंदर कुछ इकदार हैं जो कॉन्टीन्यू रखती रखी जाती हैं या उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है तो वो किस वजह से है क्योंकि वो इंसानों की कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर सो ही आर्ग्यूड दैट सोसाइटीज़ डिफर फ्राम वन एंड अदर नाट इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल प्रोड्यूस थिंग्स बट इन द टर्म्स ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड अब मैक्स पेपर की ये जो फ़िलासफ़ी है दैट इज़ बेसिकली दी क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो उनकी फ़िलासफ़ी की आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं कि सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि कोई मुशरा कितनी चीज़ें बनाता है क्या करिएट करता है बल्कि माशरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है दैट हाउ पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड कि लोग दुनिया को कैसे देखते हैं अगर दुनिया को लोग मोहब्बत की जगह पर देखेंगे वैल्यूज़ या नॉर्म्स वाली जगह के तौर पर देखेंगे तो वो उसी तरीके से उनका बिहेवियर जो है वो डिटर्मेंड होगा सो इन ऑर्डर टू कंपेयर द डिफरेंट सोसाइटीज़ ही ऑप्टेड आइडियल टाइप फॉर हिज कंपेरिजन दैट इज़ इन एन एब्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ इसेंशियल करेक्टरस्टिक्स ऑफ एनी सोशल फिनिना बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मिक्स वेबर की जो फ़िलासफ़ी है टू कम्पेयर डिफरेंट सोसाइटीज़ ये बहुत आइडियलिस्टिक है कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ये देखें कि लोगों की सोच क्या है लोग चीज़ों को किस मैार मुताबिक जाँचते हैं और हम इस बात को इग्नोर कर दें कि वर्ट एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि माशरा जो है अगर सिर्फ बहुत आइडियलिस्टिक फॉर्म में रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा उसके दरमियान जो आपस में लोगों का जो कंपटीशन है उन लोगों का आपस में जो रेस होगी अगर वो नहीं होगी तो लोग जो हैं वो स्लो हो जाएंगे लोग पीछे रह जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं सो इफ़ वी मे सी दैट द प्री इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ कैन बी रेफर्ड एज द आइडियल सोसाइटीज़ वो मुआरे जो जिनकी दुनिया में मिसाल है कि एक इंडस्ट्रियल फेज़ आई जिसकी वजह से माशरों ने आगे की तरफ बढ़े और तरक्की की और फिर एक उनका वो दौर जो उस तरक्की से पहले का था अगर इन टाइम पीरियड्स का कंपैरिजन किया जाए तो जो इंसानी जिंदगी के अंदर चेंज है जो इम्प्रूवमेंट है उसको निकाल दिया जाए अगर इंसानी जिंदगी से तो फिर हम कंपैरिजन किस बेस पर करेंगे क्योंकि ये तो ज़रूरी है ये समझ समझ में भी आता है कि जब इंसानी मुशर तरक्की करता है तो उसके अंदर मुकाबले की फ़ा आती है उस मुकाबले को में आगे बढ़ने के लिए लोग फिर एक दूसरे के लिए मुश्किल भी खड़ी करते हैं माशरे और स्टेट के दरम्या भी तनाव आता है लोगों का भी आपस में झगड़ा होता है लेकिन इन सब के बाद अल्टीमेटली लोगों की ज़िंदगियों में इम्प्रूवमेंट भी आती है और मैक्स वेबर जब बहुत आइडियलिस्टिक फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो बेसिकली वो उन हार्ड रियलिटीज़ को शायद इग्नोर कर देते हैं सो वी कैन से दैट द आइडियल फॉर्म डिस्क्राइब और डिफाइंड अ टाइप ऑफ सोसाइटी इज इट्स प्योर फॉर्म निदर गुड नॉर बेस्ट अब जहाँ तक बात है मैक्स पेपर की कि वो एक प्योर सोसाइटी को देखना चाहते हैं अब प्योर सोसाइटी का क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड बहुत सारे फिलासफर्स का ये ख्याल है कि वो बहुत आइडियलिस्टिक है क्योंकि जब कोई प्योर होगा तो अल्टीमेटली ना तो वो गुड होगा ना बेस्ट होगा बल्कि हार्ड रियलिटी ये है कि फिर एक कंपटीशन जो है वो नेचुरल है